आज के सत्र में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। और आज के हमारे सत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रंगमंच पर बात भी है। तो मनोज जी, आपके रंगमंच के अनुभव से शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से। हाँ, शुरुआत मैंने अपने मोहल्ले में रामलीला की थी, उसमें लक्ष्मण का रोल किया था। तो वहाँ से, और स्कूल में करता था मैं, थोड़ी स्किट्स वगैरह करता था, तो मुझे धीरे धीरे थोड़ा शौक पैदा होना शुरू हुआ। हालांकि मेरे फादर का अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस था, लेकिन मैं धीरे धीरे वो करने लगा। और वो क्या होता है, थोड़ा पहला जो आपका इंटरेक्शन होता है या पहला जो आपका रिएक्शन होता है, वो शो ऑफ करने के लिए है। क्योंकि स्कूल में तो कोई पूछता ही नहीं था, बैक बेंचर्स थे, पढ़ाई में एकदम नालायक थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा स्केट्स वगैरह करना शुरू किया तो थोड़ा इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गया, लोगों को हम भी दिखने लगे कि हाँ हाँ हाँ। और रामलीला करने के बाद यह है कि थोड़ा मोहल्ले में उसका विस्तार हो गया। अब वो जैसे हम लोगों को जाना पड़ता था दूध लेने के लिए डोल में, तबेले पे, उस टाइम पे वो डब्बे टेट्रा पैक नहीं होते थे, तो हम लोग जा रहे थे गली से, तो ऊपर ही मोहल्ले में जो कोठियां होती हैं उनके छज्जे पे चार पांच लड़कियां खड़ी हैं, अरे देखो लक्ष्मण जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है। तो एकदम मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार ये है काम, मतलब अगर टाटा बिरला जा रहा होता तो कोई नहीं पहचानता, कौन था टाटा बिरला, एक्टर, एक्टर बनना है। अब वहां से जो है शुरुआत हुई, और शुरुआत मेरे ख्याल से सबकी ऐसी होती है कि बस अब तो कुछ है, ठीक है अपन हीरो बन जाएंगे। तो पता चला कि मंडी हाउस एक जगह है जहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और वहाँ से ये बड़े बड़े एक्टर निकले हैं, नसीर साहब और ओमपुरी साहब, तो वहाँ जाना चाहिए। तो एक शख्स थे जो जाते थे मंडी हाउस, मैंने उनको कहा कि भाई मुझे मंडी हाउस ले चलो, किसी से मिलवा दो। अरे छोड़ो, तुम अभी पहले रामलीला कर लो, मंडी हाउस कहाँ जाओगे। फिर अगले साल फिर रामलीला करी तो फिर भी वो लेके नहीं गए, तो मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। वहाँ लक्ष्मीनगर से बस चलती थी 310 नंबर, उसमें वो चढ़े, छुपके से मैं भी चढ़ गया, वो उतरे मंडी हाउस, मैं भी उतर गया उनके पीछे 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 गया। तो रविंद्र भवन के पीछे एक जगह रिहर्सल हो रही थी, मैं भी घुस गया वहाँ पे। वहाँ पे डायरेक्टर थे शेखर वैष्णवी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे और अपना एक ग्रुप चलाते थे हस्ताक्षर। और वहाँ उन्होंने मुझे देखा, हाँ क्या करना चाहते हो, मैंने कहा सर मैं थिएटर करना चाहता हूँ। उन्होंने एक ही सवाल पूछा, टाइम पे आया करोगे, मैंने कहा हाँ टाइम पे आया करूँगा। और उस दिन से वो मेरा सिलसिला शुरू हो गया। तो जब मेरे बोर्ड का जो 10th का रिजल्ट आया, तो वो देखने के लिए जाना पड़ता है ना 2-3 महीने की छुट्टियों के बाद, तो मैं देखने नहीं गया क्योंकि मेरे श्रीराम सेंटर में शोज चल रहे थे। तो मेरे कुछ दोस्त लोग पहुंचे हमारे गैराज में, मेरे फादर को कहा कि भाई वो मनोज आया नहीं रिजल्ट देखने के लिए। तो मेरे फादर ने, जैसा कि ऑब्वियस रिएक्शन है, कि 4-5 मोटी मोटी गालियां दी और बोला कि वो तो भांडगिरी कर रहा है वहां पे, कोई राम सेंटर है उसको समझाओ, उसको पढ़ाई वढ़ाई की कुछ नहीं पड़ी। तो खैर वो लोग आए और फिर उन्होंने बताया, और फिर वहां से, तो वहां से बहुत जल्दी मेरा सिलसिला शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैं रेगुलर थिएटर करने लगा, और घर से काफी विरोध हुआ, लेकिन यह कि बाद में फिर जब मेरे फादर प्लेज वगैरह देखने आने लगे, और फिर वो हम लोग एक सीरीज था, वो हम लोग सीरीज आना शुरू हुआ, तो उसमें जब टेलीविजन पे आना मैंने शुरू कर दिया। और फिर मेरे फादर के दोस्तों ने बोलना शुरू किया कि अरे भाई आपका बेटा तो अशोक कुमार जी के साथ एक्टिंग कर रहा है। अब वो फादर तो फैन थे अशोक कुमार और दिलीप कुमार साहब के, तो मेरे फादर को लगा लगता है कुछ ठीक ही कर रहा है, ठीक है बेटा ठीक है कुछ करो, थोड़े पैसे वैसे चाहिए हो तो मांग लिया करो। तो वहां से थोड़ी सी गाड़ी स्मूथ हो गई। तो आपने ड्रामा स्कूल का जिक्र किया, और बहुत से अभी भी ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स होंगे जो ड्रामा स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जब मैं कहती हूँ कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी बहुत सारी वजह होती हैं, क्योंकि जैसा हम बात भी कर रहे थे सेशन से जस्ट पहले, कि भारतीय जो मध्यम वर्ग है उसमें अभी भी एक्टिंग को एक ऐसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखा जाता है। तो उन एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए, चूँकि आपने ड्रामा स्कूल से तालीम नहीं ली, तो आज के समय में क्या किसी रंगमंच के समूह से जुड़कर या सिर्फ अपने आप को घर में ही मांझ कर, पढ़ कर, लिख कर खुद को अभिनेता या अभिनेत्री के तौर पर मांझ पाना संभव है?
देखिए, अब मैं तो मेरा तो एडमिशन एक बार मैंने अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने तो यही रास्ता चुना कि मैं थिएटर करूं और थिएटर करके अपनी ट्रेनिंग हासिल करूं खुद ही। मेरा कहना यह है कि अभी समय बदल गया है। जैसे मेरे अपने खुद के बच्चे जब बड़े हुए और उन्होंने स्कूलिंग के बाद कहा कि हम इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो मैंने उनको यही सलाह दी कि अगर तुमने मन बना लिया है कि तुम्हें यही करना है, तो प्लीज़ इसके लिए आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। ठीक है कि आप प्रैक्टिकल थिएटर करके थोड़ा बहुत पढ़ के आप सीख सकते हैं, बस ट्रेनिंग का लेकिन बहुत महत्व है। और फिर उन लोगों ने ढूंढा और बड़ौदा में MSC यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जहाँ पे 3 साल वो लोग ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं इन ड्रामा, तो वहाँ उन्होंने एडमिशन लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो करना चाहते हैं और पूरे मन से उन्होंने बना लिया है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आज के समय में। बाकी आप कर सकते हैं, शौकिया तौर पर आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सीखते ही हैं, कर करके भी सीखते ही हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो पढ़ाई का बहुत महत्व है। लोगों को लगता है कि जैसे पहले होता था, जो सोचते थे कि भाई अरे तुम तो गोरे हो, लंबे हो, हीरो क्यों नहीं बन जाते, ये लड़की इधर है तुमसे सुंदर दिखती हो, आई डोंट यू ट्राई एक्टिंग। अभी वो टाइम नहीं है, अभी अभी एक्टिंग है या थिएटर है एज ए क्राफ्ट। लोगों को समझ में आ गया कि ये क्राफ्ट है, इसके लिए भी जैसे एक डॉक्टर MBBS की ट्रेनिंग लेते हैं 5 साल 7 साल, उसके बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं, फिर कहीं जाके अपनी प्रैक्टिस करने शुरू करते हैं, 8-10 साल लगाते हैं। इसी तरह से इंजीनियर है, इसी तरह से बाकी एक कारपेंटर भी है, वो भी ट्रेनिंग लेता है, तब जाके कहीं वो प्रोफेशनली काम कर पाता है। तो एक्टिंग है, डायरेक्शन है, या इस फील्ड में आना है, तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपने थिएटर के साथ साथ टीवी करना शुरू कर दिया था, और उसके तकरीबन 6-7 साल बाद आप बम्बई शिफ्ट हुए जी। वो एक ट्रांजिशन, हाँ। वो ट्रांजिशन का एक दौर था जी। और आप जब थिएटर कर रहे थे तो आप प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर्स करते थे, मेन लीड किया करते थे, लेकिन जब आप बम्बई पहुंचे चीज़ें बदल चुकी थी और आपको शुरुआत में ही कुछ एक खास किस्म के किरदार मिलने शुरू, कॉमेडी कैरेक्टर्स। वो ट्रांजिशन आपके लिए क्यों कैसा था कि आप थिएटर से आ रहे हैं, आपने लीड कैरेक्टर्स किए हैं, आप सडनली सिनेमा में आते हैं या बॉम्बे के टीवी में आ रहे हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक खास किस्म का कैरेक्टर मिल रहा है, हाउ वाज दैट फॉर यू? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, पहले तो कुछ साल कोई पता ही नहीं चला, क्योंकि सबसे पहले था सर्वाइवल का सवाल। बम्बई जैसे महंगे शहर में आप पहुंच गए तो घर का किराया भी देना है, और जब मैं गया था तो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे थे, सो लोग तो मेरे को कई बार ऐसा भी बोलते थे कि मतलब मेरे जो चाचा ताऊ वगैरह हैं कि भाई ये देखो इसकी शादी हो गई है, इसके 2 बच्चे हो गए हैं, ये खुद 110 किलो का हो गया है, अब ये जो है बॉम्बे हीरो बनने जा रहा है, तो इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है या कुछ हो गया है। सो शुरू के अंदर तो मैं बताऊं कि सर्वाइवल जो काम, और अच्छे काम मिले, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि टीवी का एकदम बूम आया था, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे कि मैंने बताया आपको, सिप्पी साहब बुनियाद बना रहे हैं, या कुंदन शाह जो है ये जो जिंदगी बना रहे हैं, तो टेलीविजन पे बहुत अच्छे रोल्स, बहुत अच्छा काम, और वो वीकली होता था उस टाइम पे। तो कुछ साल तो आप उसी में अपने आप को सेट करने में लग जाते हैं कि भाई ये घर बन जाए, ये हो जाए। हाँ, जो सवाल आपने पूछा कि उसके बाद तो थोड़ा सा, क्योंकि एज एन एक्टर, एज ए कलाकार, आपको लगता है कि आप वैरायटी ऑफ रोल्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बम्बई में एक जनरली क्या है, आपकी एक इमेज बन जाती है कि चलो भाई गोलू बोलू है, हैप्पी गो लकी टाइप के हैं, तो इनको मतलब कॉमेडी और फन लविंग कैरेक्टर्स में ही डालो। कोई रिस्क नहीं लेता, क्योंकि सबको है कि भाई चलो बना बनाया मिल जाए, कौन मेहनत करे। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन ये हुआ कि जल्दी ही मैंने रियलाइज किया, ये इसमें मैं कहना चाहूंगा कि नसीरुद्दीन शाह साहब जो है, उनसे एक दिन मैं एक उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी बींग साइरस, उसकी पार्टी थी,
तो उस पार्टी में जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई सब ठीक चल रहा है? मैंने कहा हाँ सर सब ठीक चल रहा है, पैसे वैसे कमा रहा हूँ, घर वर बढ़िया से चल रहा है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खरीद ली हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में कुछ वो जो मज़ा है वो नहीं है, क्योंकि कुछ एक तरह से रोल मिलते हैं, कुछ नया कुछ करने को नहीं मिलता है। तो उन्होंने छूटते ही मुझसे कहा कि तुम थिएटर करो, क्योंकि जब से मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था मैंने थिएटर किया ही नहीं था, क्योंकि आप लग जाते हैं अपने जीवन की आपाधापी में, सर्वाइवल में, पैसे कमाने में, तो थिएटर। तो उन्होंने, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करते हैं थिएटर करते हैं। अब मैं तो ये कह के आ गया, अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो सीमा ने कहा कि भाई तुम्हारी रात को कोई बात हुई थी नसीर साहब से? मैंने कहा नहीं, ऐसे तो कह, उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी है। अरे मैंने कहा ये क्यों, उन्होंने सीरियसली ले लिया? सो इस तरह से उन्होंने कान पकड़ के, अब वो रोज फोन करने लगे कि भाई आप क्या कर रहा है। अब मैं डरा हुआ था क्योंकि 15 साल से मैं स्टेज पर चढ़ा नहीं था, मुझे लगा अब कौन इतनी लाइनें याद करेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप जैसे मीडिया में आते हैं थोड़े थोड़े करप्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या है वहां पे फैसिलिटी रहती है ना, कट कर दो और फिर अगली लाइन बोल दो, तो ये हो जाता कि अच्छा अरे 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 इतने लंबे डायलॉग कौन बोलेगा। तो बोले साहब कोई बात नहीं, आप जितने लाइन याद होती है कर लीजिए, बाकी कट करके फिर कर लेंगे। उन्होंने पूरा नाटक याद करना दो घंटे के लिए। खैर उन्होंने पीछे पड़ पड़ के जो है मेरे से वो नाटक करवाने शुरू किया और मैंने थिएटर करना शुरू किया। वहां से एक बदलाव शुरू हुआ और उसके बाद अनुभव सिन्हा की जो फिल्म है मुल्क, उसकी स्क्रिप्ट आई और बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि भाई मनोज पावा को ये सीरियस रोल दे रहे हो, वो तो बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन कॉमेडियन हैं, और आएंगे पर्दे पे तो लोग हंसने लगेंगे, देख लेना। लेकिन मैं इसमें अनुभव साहब को क्रेडिट देता हूँ आज तक कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया कि नहीं अच्छे एक्टर हैं, और फिल्म जब आई तो उसके बाद से फिर सब लोग भी ऑफर करने लगे। मैंने तो मजाक में कहा कि 25 साल मैं कॉमेडी करता रहा लेकिन मेरे को फाइनली अवार्ड दिया तो बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल में दिया, आर्टिकल 15 में। जैन भाई आपने बहुत अच्छा किया अनुभव जी का नाम लिया, क्योंकि अनुभव जी और आपकी दूसरी पारी एक साथ शुरू हुई। हाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब ये जो दूसरी पारी है सिनेमा की आपकी, इस वक्त जिस तरह के रोल्स आ रहे हैं, मतलब जो आ चुके हैं वो हमने देखे, लोगों ने सराहे भी, उसके लिए आपका अवार्ड भी मिला, अब जिस तरह की फिल्में आप कर रहे हैं उनमें क्या फर्क पाते हैं, खुद में एक एक्टर के तौर पर क्या फर्क पाते हैं जो इसे पहली पारी में कर रहे थे? एक तो जो कहना चाहिए कि सिर्फ कॉमेडी नहीं रह गया है, लोग ये कहने लग गए हैं कि मुल्क के बाद के सर जब स्क्रीन पे आपको रोते हुए देखते हैं लोग तो कमाल, मतलब आंसू निकल जाते। सो अब ये एक लोगों का नजरिया बदल गया है कि ये सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं, तो एक ऑलराउंड कैरेक्टर करने का, जैसे अभी फिल्म आई थी बोनी कपूर साहब की मिली, उसमें फादर का कैरेक्टर है, अब वो एक फुल लेंथ कैरेक्टर है जिसमें एक एक्टर को बहुत कुछ खेलने का मौका मिलता है, ये नहीं कि 4 सीन का 5 सीन का एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमेडी आपने किया और 4 सीन है भाई, इट्स अ कॉमिक रिलीफ, उसको ऐसे कहा जाता था कि भाई हमारी फिल्म में आपका कैरेक्टर है, इट्स अ कॉमिक रिलीफ, फिल्म की कहानी कुछ और चल रही है लेकिन ये जो है ये सीन्स आएंगे तो ऑडियंस फील थोड़ा लाइटर हो जाएगी। अब ये है कि आपको एक फुल राउंडेड कैरेक्टर है जो फनी भी है, जो इमोशनल भी है, बेटी का बाप भी है, और एक कंप्लीट उसकी जर्नी है जिसको करने के अंदर एज एन एक्टर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपने विजुअल फॉर्मेट के लगभग सभी फॉर्मेट्स में काम किया है, आप थिएटर भी कर चुके हैं, टीवी भी कर चुके हैं, सिनेमा, अब डिजिटल और एडवर्टीजमेंट्स भी, सबका प्रोसेस किस तरह से अलग है और एक एक्टर के तौर पर आपकी इन सब में जर्नी कैसी रही है? एक्टर का देखो मेरे लिए, मैं बेसिकली एक्टर हूँ, अब फॉर्मेट चेंज जैसे होता है एड फिल्म का, अब एड फिल्म में मेरे को याद है बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे जब मैंने शुरू किया था तो प्रहलाद कक्कड़ साहब एक बहुत बड़ा नाम है एड वर्ल्ड के, और जब मैंने वो डायलॉग और सीन बोले तो उन्होंने वहीं से चिल्ला के बोला कि अरे ओ भाई ये तेरा सीरियल नहीं है आधे घंटे का, ये 30 सेकेंड का एड है। सो मैं जैसे जैसे फॉर्मेट बदलते रहे वो करते करते लोगों से सीखता रहा,
तो एड में जैसे टाइम का एक लिमिटेशंस रहता है, 30 सेकेंड का एड है, 40 सेकेंड का एड है, और सिनेमा है उसकी एक अलग पेस रहती है। बट मुझे बहुत ज़्यादा कोई उस तरह से, अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आप वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं, उसके अंदर कोई उस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इन्फोमैट्स के डायरेक्टर्स भी अलग अलग रहे? हाँ। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग सारे फॉर्मैट्स लगभग ट्राई भी कर लिए हैं, तो एक डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए आपका क्या प्रोसेस रहता है? डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए उसको उसका काम करने का ढंग जो है उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब लाइक जैसे मैं एग्जांपल दूं, डेविड धवन साहब हैं, उनका उन्होंने कितनी सारी फिल्में बनाई, एक से कॉमेडी फिल्में, एक से कुली नंबर वन, गोविंदा और उनकी जोड़ी कितनी, और बहुत सारी फिल्में उनका। उन्होंने मेरे को एक फिल्म के लिए बुलाया तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा अरे यार बहुत अच्छा है तेरे साथ काम करना, जो तो इसमें गोविंदा के दोस्त का रोल है, बहुत अच्छा रोल है और तू करेगा उसको। हाँ बातचीत हो गई, उन्होंने कहा जाओ प्रोड्यूसर से बात कर लो, डन कर लेते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब के पास पहुंचा, जो भी बातचीत होनी थी वो हुई। उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैंने कहा कि सर एक रिक्वेस्ट थी कि इसकी स्क्रिप्ट अगर मिल जाती तो। ये मैंने कहा तो जैसे हम बैठे पीछे से हंसने की आवाज आई तो मैं टर्न करके देखा तो वहां पंकज पारेषण बैठे हुए थे। बोलो देखो कितना बड़ा इडियट है, डेविड धवन साहब की फिल्म में स्क्रिप्ट मांग रहा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये क्या। तो उनका स्टाइल ही यही है, वो हाथ क्या थी उनके दिमाग में खाका रहता है एक, और जो जो सीन करने अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ठीक है। अब वहां पे पहुंच गए, शूटिंग वाले दिन वैनिटी में पहुंच गए, मैंने कहा भाई स्क्रिप्ट दे दो क्या करना है। नहीं नहीं वो आपका सीन है गोविंदा के साथ, और ये है वो है वो अभी देते हैं। इतने में कपड़े भी आ गए, सूट वूट आ गया, पहन लिया। मैंने कहा कपड़े भी पहन लिए, सब कुछ के, ये मुझे पता नहीं है कि करना क्या है। तो बोले नहीं लिख रहे हैं अभी, आप नाश्ता वाश्ता कर लो। सो यू सी के पॉइंट इज के एक एक्टर को जो अलग अलग फॉर्मेट में काम करता है उसको तैयार रहना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग हमारी थिएटर की ट्रेनिंग बहुत काम आती है इसमें। अब ऊपर पहुंचे, उनके पास पहुंचे, उन्होंने एक स्क्रिप्ट में लिखा कि देखो देखो ऐसे ऐसे गोविंदा फंस जाता है, उसकी बीवी को पता चल जाता है कि ये जो है दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वो अब वो परेशान है, तो अब वो कैसे बचे, तो तुमसे आके डिस्कस करता है, ये सीन है। उन्होंने मुझे सीन दिया और फिर ले लिया, बोले इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो चीची चीची मतलब गोविंदा वो आएगा तो वो सब बदल देगा। अब वो आएगा वो भी बदल देगा सब। तो बैठे, अब वही हुआ, चीची आया 12 बजे, अरे अच्छा। तो उन्होंने फॉर्मेट ऐसा बना रखा था कि उसकी सीट है और ऐसे मेरी सीट है, वो कैमरा वाले ने कैमरा वैमरा लगा रखा था। वो आया और आके बोला नहीं 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 इसको ऐसे करेंगे, हम लोग जो है 50s और 60s में जैसे एक्टिंग होती थी हम फर्श पे लेट जाएंगे और फर्श पे लेटे लेटे बात करेंगे, बंटू क्या हो गया तेरी भाभी को पता चल गया अब क्या करें ये सर। तो पूरा वो चेंज हो गया। सो कहने का पॉइंट ये है कि वो जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि जो डायरेक्टर है अलग अलग, एज एन एक्टर आप अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट के साथ में काम करते हैं, तो आपको अपने पूरे जो एलिमेंट्स हैं एक्टर के वो खोल के रखने हैं और जाके उसके हिसाब से आपको डिलीवर करना है। फिर सीन्स हुए, बहुत अच्छे सीन्स हुए, ही वॉज वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद डेविड धवन साहब के साथ 5-6 फिल्में की मैंने, उनकी अपने बेटे की फिल्म, वरुण धवन की फिल्म मैं तेरा हीरो, उसमें मैंने उसके फादर का रोल किया, क्योंकि एक वो बन जाता है। अब बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो 2 महीना पहले, अब ज्यादा होने लग गया है, अच्छी बात है कि बाउंड स्क्रिप्ट आएगी आपके पास, फिर आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने का, फिर उसके बाद शूटिंग पे जाने से पहले रिहर्सल्स होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, तो आपको पूरा टाइम मिलता है और बहुत डिटेलिंग में काम होगा। तो हर फॉर्मेट के लिए एक्टर को तो तैयारी रहना पड़ता है। एड फिल्म्स का जैसे मैंने बताया कि अब आपको दिए स्क्रिप्ट, अब आपको उसको कंप्रेस करके उसको 30 सेकंड के अंदर ही वो एक्सप्रेशन, वो लाइन, वो सब करना है। ये जो आपने डायरेक्टर्स वाली बात कही, आपका 4 दशक का अनुभव है,
बहुत चार दशक से भी पहले वही शोले वाला डायलॉग हो गया कि होश संभालते ही अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। जी जी, तो इन चार दशकों में आपने डायरेक्टर्स के भी, फिल्म मेकर्स के भी अलग अलग पीढ़ियों के साथ काम किया। अगर हम देखें तो 3 से 4 पीढ़ियां इस बीच डायरेक्टर्स की भी आ गई फिल्म मेकिंग में। प्रोसेस पे क्या फ़र्क पाते हैं आप, और आपका अगर आपको आपकी प्रेफरेंस पूछी जाए, आपको किन के साथ काम करना ज़्यादा पसंद आता है? फ़र्क जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी ट्रेनिंग की जो बात चल रही थी, अभी जो आगे की जनरेशन जितनी भी आ रही हैं डायरेक्टर्स की, वो ट्रेंड होके आ रहे हैं। पहले की तरह वो सिस्टम नहीं रह गया है कि भाई फादर बहुत बड़े डायरेक्टर हैं तो बेटा ऑब्वियसली अपने आप ही डायरेक्टर हो गया है ना। अब वो क्या है कि वो लोगों को भी समझ में आ गया है, चाहे बड़े घर के लोग भी हों। इवन आप देखिए कपूर जो कि मतलब फर्स्ट फैमिली ऑफ फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन अब उनके बच्चे भी, चाहे रणबीर है, वो 6-6 साल की ट्रेनिंग USA वगैरह से लेके आते हैं। तो ये जो नई जनरेशन है, जैसे मैं पुनीत मल्होत्रा के साथ एक फिल्म कर रहा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो बहुत ही यंग टाइगर श्रॉफ, अब टाइगर श्रॉफ गए, उनके फादर जैकी श्रॉफ, उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। तो मैं वहां से लखनऊ पहुंचा, निखिल अडवाणी का एक वेब सीरीज था वो कर रहा था, तो निखिल अडवाणी ने कहा क्या कर रहे थे, मैंने कहा पुनीत मल्होत्रा की फिल्म कर रहा था स्टूडेंट, कहले हाँ मेरा एडी था वो कल हो ना हो में। और मैंने फिर उसको निखिल अडवाणी को कहा, मैंने कहा तू किसका एडी था जब हमने इस रात की सुबह नहीं की थी, तो वो सुधीर मिश्रा का एडी था जब हमने इस रात की सुबह नहीं की थी। सो आपका जो सवाल है कि जो फर्क क्या है, अब जो है ज्यादा सिस्टमैटिक होते जा रहे हैं और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते जा रहे हैं। पहले जैसे मैंने बताया ना कि चलिए ले गए सेट को, यूनिट चला गया, बैठा है शिमला में और चल रहा है काम और स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है सारा। अब ऐसा नहीं है, अब बाउंड स्क्रिप्ट होगी, पहले से प्लानिंग होगी, क्योंकि बच्चे जो है, नई जनरेशन जो है, वो पढ़ के आ रहे हैं, बाहर का भी सिस्टम देखते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये सिस्टम हमारे यहाँ भी हो, सिस्टमैटिक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और कुछ हद तक और डिसिप्लिन्ड हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि बीइंग साइरस के बाद नसीर साहब के साथ थिएटर में आपकी दोबारा वापसी हुई। 80 में थिएटर करना और 2010 में थिएटर करना, क्या कुछ बदल चुका था इस बीच? मतलब कहना चाहिए कि थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि दिल्ली में जब 80 में हम लोग नाटक वगैरह करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग 11 लोग स्टेज पे हैं एक्टर और देखने वाले 5 लोग हैं, क्यों तो कई बार लगता था कि यार, क्योंकि उतने अवेयरनेस थिएटर दे, लेकिन इतने सालों में थिएटर के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है और ऑडियंस बड़ी है और लोग आते हैं देखने के लिए। तो जो अब मैं जैसे मोटली के साथ करता हूँ, नसीर साहब के साथ प्ले करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी काफ़ी जगहों पे, अलग अलग शहरों में और अलग अलग जगहों पे काफ़ी लोग अवेयर हैं, थिएटर देखते हैं, जानते हैं और अच्छी ऑडियंस है जो थिएटर देखना चाहती है। तो ये फ़र्क है ये, और ये कुछ ऐसा है कि ये इसकी एक झलक भोपाल में भी हम देख चुके हैं। मैं भोपाल से, बड़ा पुराना रिश्ता है मेरा, हम लोग भारत भवन जब हमारे बीवी कारण साहब थे, जो जिस तरह से उन्होंने भोपाल में मूवमेंट चलाया था कि हमने देखा है भोपाल में कि एक ऑटो चलाने वाला, एक पान की दुकान वाला ऐसा मूवमेंट था कि वो अपना दुकान बंद करके, ऑटो खड़ा करके, टिकट लेके भारत भवन में नाटक देखने आता था। इस वो एक गोल्डन पीरियड था, अशोक वाजपेयी साहब थे गवर्नमेंट में, वो उनकी तरफ से भी बहुत सहयोग मिलता था। तो ये हो सकता है, ये हुआ है, और हम लोग भी आते थे, हम लोग यहाँ दिल्ली से अपने नाटक लेके आते थे, भोपाल, जबलपुर, इंदौर अपना फेस्टिवल करते थे। तो
आपका जो सवाल था कि अवेयरनेस काफी बड़ी है और बढ़नी चाहिए, मुझे लगता है कि और बढ़नी चाहिए। अब मैं जैसे यहाँ पे जैसे अब हम यहाँ पे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में, तो मेरे को लगता है कि एक थिएटर आर्ट इसका एक प्रावधान होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, चाहे ताकि वो करना स्कूल के लेवल पे ही शुरू करे, आगे चल के डेवलप होता है नहीं होता है क्या होता है, बट ये बहुत जरूरी। एक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे एक दोस्त है एक्टर है, वो बहुत मशहूर एक्टर है, विनय पाठक साहब है। मैंने जब उनसे पूछा तो वो गए थे अमेरिका एमबीए करने के लिए, और उनके बाहर एमबीए के अंदर कोर्स में कंपलसरी है कि आपको एक कोई ऐसी एक्टिविटी साथ में जरूर लेनी है, तो उन्होंने थिएटर ले लिया। और उसमें यह होता है कि भाई आपको एक एमबीए तो आप कर रहे हैं लेकिन ये तो मेन है आपका कोर्स डिसिप्लिन, अब आप साइड में आपने नाटक देखना है, नाटक देख के उसके बारे में लिखना है, एक छोटा सा एग्जाम उसका भी होगा, तो आपकी एक एक्टिविटी चल रही। तो उसने उस इंसिडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी, वो जो नाटक उनको देखना था वो देखने गए और फिर 10 दिन तक 10 शोज उसके देखते रहे, और उसके बाद आके उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना जो है डिसिप्लिन बदलना चाहता हूं, मैं बिजनेस मैनेजमेंट नहीं, मैं थिएटर में मास्टर्स करना चाहता हूं, और उन्होंने किया, और उसके बाद आप देखिए आज वो कितने सक्सेसफुल एक्टर हैं। सो कहने का पॉइंट ये है कि अवेयरनेस बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि और बढ़नी चाहिए। आपने थिएटर को लेकर मास कनेक्ट की बात की, अभी चीजें जिस तरह से बदली हैं, सिनेमा मास का माध्यम है, आप किसी भी सोशल या इकोनॉमिक तबके से आते हों आप किसी न किसी तरह से सिनेमा देख सकते हैं, चाहे उसे टीवी पर देखें, चाहे यूट्यूब चैनल पर देखें, चाहे थिएटर में जाकर देखें। जहाँ तक कि थिएटर की बात है, थिएटर अभी ऑडिटोरियम्स या आपके मंच तक सीमित है। स्ट्रीट थिएटर मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन शायद जिस तरह से एक वक्त पर हुआ करता था उस तरह से नहीं होता है। और जो मंच पर नाटक हो रहे हैं, थिएटर हो रहा है, उसको देखने मास नहीं जा पाती है। तो एक आप अभिनेता हैं, आपने दोनों माध्यम में काम किया, आपको दोनों माध्यम प्रिय हैं, तो इस चीज़ को, इस गैप को कैसे भर सकते हैं? ये अच्छा सवाल है आपका, इसके बारे में हमने भी काफ़ी सोचा और उसके बारे में हमने करा। इसकी शुरुआत हमने इस तरह से करी कि अब एक कहानी साग मीट भीष्म सानी जी की, अब सीमा ने बहुत साल पहले की थी, अब उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये कहानी को दोबारा रिवाइव करना है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। अब आपने जो सवाल उठाया कि ऑडिटोरियम्स बुक करना, और ये शुरुआती दौर में या बाद में भी काफी एक्सपेंसिव अफेयर हो जाता है कि भाई कौन प्रोड्यूस करेगा, पैसा कौन लगाएगा। हम लोगों ने वो कहानी सीमा ने तैयार की और हमने शुरुआत करी अपनी छत से, हमारी छत थी उसमें ऊपर उसका शो रखा गया, हमने कुछ 30-40 लोगों को बोला आने के लिए और करीब 80 लोग आ गए। सो मेरा कहने का पॉइंट यह है कि जो भी लोग, आप उसको वेट मत करो, हमारा लिटरेचर भरा हुआ है, एक से एक बड़े राइटर, और आप देखेंगे कि हम लोग मोटली में नसीरुद्दीन शाह के ग्रुप में हम लोग अब उसी को ज्यादा अडेप्ट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ नाटक हम लोग सादत हसन मंटो साहब की कहानियां, हरिशंकर प्रसाई जी की कहानियां और इसमें चुगताई जी की कहानियां लेते हैं, एक एक्टर होता है स्टेज के ऊपर और उसको परफॉर्म करते हैं, और वो कहानी, वो ये फॉर्मेट इसीलिए डेवलप किया गया है कि नाटक का पूरा एक्सपेंस ना हो। एक एक्टर है वो जो अब चाहता है कि भाई मैं इस फील्ड में आना, एक कहानी 20 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की तैयार करें, सोलो है, उसके बाद वो शुरुआत कर सकता है कि भाई मैं मेरे घर पे आ जाओ, या फलानी की छत है या कुछ व्यू है अपना, एक ऐसी जगह है या 20-25 लोग मिलके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से भी करना शुरू करें
तो बहुत ऑटोमेटिकली आपके वो रिसोर्सेज आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद जब सीमा ने ये करना शुरू किया तो इतनी जगहों से पूरे हिंदुस्तान भर से कि हमारा एक ये गैदरिंग है, इसमें आके आग पर ये, या प्रसून पांडे का मैंने बताया, वो उनकी इला रून ने कहा कि मैं अपने भाई को गिफ्ट देना चाहती हूँ, हम लोग पार्टी कर रहे हैं पनवेल में, तो सीमा जी आप वो परफॉर्म कीजिए, इट विल बी सरप्राइज फॉर, तो वहां 60-70 लोग थे। सो इस तरह से अगर भी शुरुआत करे तो मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा। एक ये बात करते करते मेरे दिमाग में एक चीज आई, रंगमंच की जो प्रक्रिया है सीखने की और जाकर मंच पर परफॉर्म करने की, उसमें वक्त लगता है, सब आपको वक्त देना पड़ता है क्योंकि सीखना रातों रात नहीं होता है। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड ये है कि रंगमंच, लोगों का ये मानना भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि रंगमंच आपको उतना पैसा कमा कर नहीं देता है जिससे आप घर चला सकें। अब यहीं पर बात आ जाती है सिनेमा की, तो ऐसा नहीं है कि आप सिनेमा शेयर लक पर कर सकते हैं, उसमें भी आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, आपको एक्टिंग आनी चाहिए, आपको एक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर अगर वो फिल्म हिट हो गई फॉर वट एवर रीजन्स वो चल गई तो आप रातों रात स्टार बन जाते हैं और उसमें ऑफकोर्स एक कमर्शियल जुड़ाव है। ऐसे समय में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो अस्पायरिंग एक्टर्स कहना चाहिए जो थिएटर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनका लक्ष्य जाना है सिनेमा में, उनको थिएटर में अपने आप को सीमित नहीं करना है, तो क्या ये रास्ता सही है, मतलब टू यूज थिएटर एज अ स्टेपिंग स्टोन? नहीं, इसको यूज करना भी क्या कहेंगे, मतलब अब मैं अपनी बात करूं, किसी और की बात क्यों करूं, मैं तो शुरू से ही हीरो बनना चाहता था। मेरे को लगता था कि बस ठीक है, अगर थोड़ी हाइट अच्छी होती तो बच्चन साहब को मैं मात दे देता, मतलब उस वक्त जब मैंने शुरुआत की थी कि वो नहीं है तो राजेश खन्ना तो बनी जाएंगे, अरे पंजाबी लड़का हूँ, गोरा रंग है, अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हॉर्स राइडिंग सीख लेता हूँ और कराटे सीख लेता हूँ तो बस पूरा हीरो बन जाऊंगा। लेकिन जब मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ थिएटर के अंदर, तो मुझे लगा कि यार ये तो एक बहुत ही अलग क्राफ्ट है, इसके अंदर तो मतलब जो भागे थे वहां से स्कूल से के पढ़ाई करनी इस यहाँ तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो कहने का मतलब ये कि अब मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं सिनेमा में जाऊं, पर्दे पे आऊं, दिखूं। सो मैंने थिएटर किया और उसके बाद मैं बॉम्बे गया क्योंकि वहां पे मीडिया में ज्यादा काम होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, एक एक्टर है या एक डायरेक्टर है, वो एक माध्यम में है, उससे ट्रेंड हुआ है और उसके बाद जो है वो अपने दूसरे माध्यम में काम करना चाहता है, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई बुराई। और बाप की वो बात सही है कि थिएटर अभी तक भी मतलब ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम होंगे जो कि सिर्फ थिएटर से अपना सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत कम हैं, कुछ लोग ऐसे जो प्लेस करते हैं प्लस उनको फिर और काम करने पड़ते हैं, जैसे वर्कशॉप्स लेना है, सेमिनार्स करने हैं, उस तरह से इन्वॉल्व है। बट अगर कोई एक्टर, डायरेक्टर, राइटर थिएटर से शुरुआत करता है और उसके बाद वो माध्यम उसको दूसरे माध्यम में, सिनेमा में, टेलीविजन में, कहीं पे भी लिखने का, एक्ट करने का मौका मिलता है और वो करना चाहता है, तो कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए मुझे लगता है। और पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाना, फेम कमाना मतलब अच्छी बात है ये। और आज तक मतलब जो लोग हैं, जैसे मैं अब थैंक्स टू नसीर साहब, मैं अब रेगुलर थिएटर करता हूं उनके साथ, हमारा अपना ग्रुप भी है जो हमारा फैमिली का है, कोपल प्रोडक्शंस, उसके साथ भी हम प्लेस करते रहते हैं और वो भी करते रहते हैं। हमें ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये करते रहना साथ में बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर। तो अभी सीमा जी तो एक्टिंग के साथ साथ राइटर और डायरेक्टर भी, उनका डेब्यू हो चुका है, बिल्कुल अवार्ड्स भी मिले अभी रिसेंटली, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में भी उनको, हाँ फिल्मफेयर भी मिला उनको। तो उन्होंने एक भूमिका से दूसरी भूमिका में भी खुद को मतलब वो लेकर आई, आप एक्टर के बियॉन्ड खुद को एक्सप्लोर करने वाले हैं क्या? नहीं, वो मेरे बस की बात नहीं है, वो सीमा जी है, वो बहुत मल्टीटास्किंग है, वो मतलब साथ में स्क्रिप्ट भी लिख सकती हैं और साथ में कटहल की सब्जी भी बना सकती हैं और पूड़ियाँ भी तल सकती हैं। वो मुझे लगता है कि ये जो आप लोग हैं जो
जेंडर वो मल्टीटास्किंग और उसमें मैं तो सिर्फ एक्टिंग तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसी में जितना इम्प्रूव कर सकूँ। और मैंने कुछ साल पहले का आपका एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें आपने कहा था कि अब तक का मेरा सर्वश्रेष्ठ कॉमिक कैरेक्टर मैंने नहीं किया है। हाँ नहीं वो तो ऐसा है कि एक्टर को लगता ही है, हमेशा ही लगता है कि अभी तक का बेस्ट नहीं दिया है, अभी बेस्ट देना बाकी है। सो प्रोसेस है, देखते हैं। नहीं, क्योंकि दूसरी पारी की बात हो रही है। हाँ, ना, तो दूसरी पारी में तो पोजीशनिंग बदल चुकी है। हाँ, वो ये जरूर है कि भाई अब जैसे कि फिल्में बनती हैं, अब आउट एंड आउट कॉमेडी, उसके अंदर अगर उस तरह से कोई स्क्रिप्ट आती है तो डेफिनेटली मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इंस्टेड ऑफ जो कि मैं पहले करता रहा हूँ कि भाई एक चार सीन है या छह सीन है आपके फिल्म के अंदर। हालांकि मैंने जो फिल्में भी की हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बड़ी फिल्में थी और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स किए हैं, बट येस ऑफकोर्स अगर कॉमेडी में अगर कोई ऐसी कुछ आउट एंड आउट कॉमेडी स्क्रिप्ट है जिसके अंदर आप लीड रोल कर रहे हैं या दो लोग हैं और फनी फिल्म है तो व्हाई नॉट। कॉमेडी को अगर एक किनारे में रख दूं तो आपका फेवरेट जॉनर क्या होगा? जॉनर उस तरह से कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एज एन एक्टर आपको मजा उसमें आता है जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट के भाई ये डार्क है ये बहुत अच्छा है। एज एन एक्टर चैलेंजिंग वो होता है बहुत जो कॉम्प्लेक्स हो, जैसे आर्टिकल 15 के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो वो जो ब्रह्मदत्त है वो नेगेटिव नहीं है, वो उसका काम ही वही है, वो उसको लगता नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सो उस तरह का जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है ऐसे कैरेक्टर्स वो करने में बहुत मजा आता है या वो चैलेंजिंग ज्यादा होते हैं। तो हम दोनों की कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, मुल्क की भी और आर्टिकल 15 की भी। इन किरदारों के लिए किसी खास तरह की तैयारी आपको करनी पड़ी? खास तैयारी तो ये होता है कि भाई जैसे मुल्क की बात करें तो मुल्क में जैसे मैं दरियागंज में ही पलावाड़ा हूँ, वहीं हमारे फादर का गैराज था तो वहीं बचपन गुजरा है, और मेरे जितने दोस्त थे वो पास में जामा मस्जिद, मुनीर आरिफ, एहसान, हन्नान, ये सब लोग मेरे दोस्त थे। मुझे याद है कि हम लोग जामा मस्जिद की उस दिनों मीनार के ऊपर जाने की परमिशन होती थी, कुछ 20 पैसे का या 25 पैसे का टिकट होता था, तो हम उस मीनार पर चढ़ जाते थे और घंटों बैठ के वो कागज के रॉकेट बना बना के फेंकते थे। सो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर जब आपकी जो मेमोरी के अंदर वो जो माहौल होता है सो और जो आप आपने जिया होता है, क्योंकि वो मुल्क जो पूरी स्क्रिप्ट है वो उसी उसी के बारे में है कि भाई हम एज ए ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं, सडनली मतलब एक कुछ ऐसा वाक्या हो गया और सब अगेंस्ट हो गए, जबकि 40-40 साल से एक दूसरे को जानते हैं तो हमें कभी कोई फर्क ही नजर नहीं आया। सो और दूसरा स्क्रिप्ट होती है, राइटर लिखता है, डायरेक्टर का विजन होता है, फिर आप भी उस तरह से रिसर्च करते हैं कि ये एक आदमी ऐसा है, इस छोटा भाई है, छोटा ही रह गया, है कि नहीं। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो वो बोलते हैं कि बड़े भाई लेंगे, बड़े भाई करेंगे। अब इस आदमी ने जिसने कभी आज तक एक कोई काम किया नहीं, बड़े भाई के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और ऐसे लोगों को भी आप कुछ बहुत बहुत जानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मोहल्ले के इलाके के बाकी लोगों के सब काम में, अरे सुन वहां जा रहा है वो ले आ, अपना कुछ नहीं किया होता जिंदगी के अंदर। सो कहने का पॉइंट ये है कि तैयारी में बहुत सारे आपकी इमोशनल मेमोरी में होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, स्क्रिप्ट भी होती है आपके पास, तो उस तरह से तैयारी करते हैं आप। अब आप जब पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करते हैं आर्टिकल 15 में तो फिर आप अपना याद करते हैं कब कब आपको पुलिस थाने जाना पड़ा था, है ना, कि लोग, और फिर आप विजिट भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, और जाके अपने यूपी के छोटे से टाउन के पुलिस स्टेशन में जाके भी बैठते हैं दो चार घंटे, दो चार दिन के, देखे माहौल, कहीं अंदर जज्ब हो
कहीं अंदर वो जाएं वो चीजें और कुछ कैरेक्टर्स मिले, तो यही सब रिसर्च का प्रोसेस रहता है। बाकी डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, हेल्प करते हैं, और जो भी एक एक्टर परफॉर्मेंस करता है उसके पीछे सिर्फ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक्टर का ही काम नहीं होता है, बहुत बड़ी टीम होती है जो पूरी उसको सपोर्ट करती है। क्रेडिट पूरा एक्टर ले जाता है क्योंकि वो स्क्रीन पे दिखता है, नहीं तो आपका आर्ट डिजाइन से लेके सेट बनाने वाले से लेके कॉस्ट्यूम वाले आपको बेस्ट कॉस्ट्यूम देना चाहते हैं उस कैरेक्टर के नजदीक, उस पीरियड के नजदीक। मेकअप वाले आपका उस तरह से पूरी तैयारी आपकी हेल्प करते हैं कि इस कैरेक्टर के इस तरह के बाल होंगे, इस तरह का होगा। जो शूट कर रहे हैं DOP, वो उस तरह से एंगल लगाते हैं कि ये इस तरह का कैरेक्टर है, ये इस तरह से बोल रहा है, तो इसको इस तरह से शूट करें। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ी टीम का हाथ होता है, तभी जाके कोई अच्छा फिल्म या एक नाटक या एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। रंगमंच और सिनेमा में से आपको किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे? वो ऐसी मजबूरी आ जाए तो फिर क्या करेंगे, रंगमंच को ही चुनेंगे, लेकिन क्योंकि जो कुछ भी आज मैं हूँ वो रंगमंच की वजह से हूँ, यहाँ पे जो बैठा हूँ वो, या जो फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविजन इंडस्ट्री में जो मुझे काम मिला है वो सिर्फ और सिर्फ रंगमंच की बदौलत ही है। जो कुछ भी हूँ आज रंगमंच की बदौलत ही। इसी के साथ मैं यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी आपको मनोज। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोगों को आपस में बात करने में मजा आया आपको उतना सुनने में भी मजा आया होगा।